हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पेंट्स के बारे में। बात करेंगे इसके वेरियस इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पेंट जो होता है हमारा, वो जनरली लगाया जाता है, आप जैसे देखे भी होंगे, टिम्बर सरफेस या फिर मेटल या फिर प्लास्टर सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, ताकि उस सरफेस को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। किससे प्रोटेक्ट सकें? जैसा कि आप लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर से बहुत सारा अटैक होता है इसके ऊपर, मेटल के ऊपर या फिर टिम्बर के ऊपर या प्लास्टर सरफेस। जैसा आप मेटल को ले लीजिए, ऑक्सीजन की वजह से इस पर क्रोजन लगना स्टार्ट हो जाता है, तो क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें जिसकी वजह से हमें पेंट का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली पेंट में होता क्या है, पेंट का एक यूज़ और भी है, ताकि ये एस्थेटिकली हमें प्लीजेंट अपियरेंस दे सके, मीन्स कि अच्छा लगे सके दूर से हम देखें, तो एक इसका उद्देश्य ये भी रहता है, ठीक दोस्तों। तो मेन इसमें होता क्या है, इसमें होता है जब हम पेंट लिक्विड फॉर्म में किसी सरफेस पर लगा देते हैं, तो इसमें से जो वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ होता है हमारे पेंट में। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन या फिर SSC JEE के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ वोलाटाइल पेंट में हमारा होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल भी होता है, ठीक दोस्तों। तो जो हमारा पेंट हम जब किसी सरफेस पर लग जाता है, तो वो होता क्या है, वो जो हमारा वोलाटाइल वो इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फियर में, और फिर वो हमें देता है एक हार्ड एंड कोटिंग देता है उस सरफेस पे, ठीक दोस्तों। नाउ फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट, पेंट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो हमारा आ जाता है बेस, उसके बाद व्हीकल, फिर उसके बाद पिगमेंट, ड्रायर एंड थिनर। सो इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो सबसे पहले दोस्तों बेस, बेस जो होता है हमारा, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है किसका, हमारा पेंट का, ठीक है दोस्तों। जो हमारा पेंट होता है वो जनरली जो फाइनली डिवाइडेड मटेरियल का बना होता है, मींस कि जो मटेरियल होता है उसको बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा उसमें ग्राइंडिंग करके बहुत छोटा छोटा उसको कर लिया जाता है, और ये हमेशा बाइंडिंग प्रॉपर्टी को हमारा शो करता है, मीन्स कि हमेशा ये बाइंडिंग, मतलब एक दूसरे से बाइंडिंग प्रॉपर्टीज की अच्छी होनी चाहिए, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना दोस्तों। और ये ओपैक नेचर का होता है, मीन्स कि ये अनट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा बेसिक जो इन बेसिक मटेरियल यूज़ करते हैं, जो बेस में हम लोग वो यूज़ करते हैं लेड फैमिली को, जैसे वाइट लेड यूज़ करते हैं, रेड लेड यूज़ करते हैं, ठीक ना, और जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम वाइट, एल्युमिनियम पाउडर और लिथोफोन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक दोस्तों। जो हमारा लेड फैमिली है, जिसमें कि उसको हम लोग कहते हैं लेड पेंट, ठीक है ना, लेड पेंट जो जनरली सुटेबल होता है हमारा आयरन और स्टील पे काम करने के लिए, आयरन और स्टील पे बहुत अच्छा काम करता है ये हमारा लेड पेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, आसानी से ये चिपक लेता है सरफेस पर, ठीक है ना दोस्तों। मगर ये एटमॉस्फियर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लेड, जैसा कि आप जानते हैं, लेड मिला हुआ है, तो ये एटमॉस्फियर के लिए हमारे अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको फाइनल कोटिंग यूज़ नहीं करते, मीन्स कि इसके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर हम लोग पेंट की करते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसा फाइनल कोट नहीं यूज़ करते हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए हमारा जो जिंक होता है, ठीक है ना, जिंक यहाँ पे हमने बताया जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, तो जिंक ऑक्साइड जो होता है हमारा वो अच्छा बेस का काम करता है, मगर ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए जनरली इसको अवॉइड किया जाता है, नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि इकोनॉमिकल होगा ही नहीं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जो लिथोफोन होता है, ये काफ़ी सस्ता भी होता है, मगर जो लिथोफोन होता है ये सस्ता होता है, और ये किसका बना होता है, ये होता है जिंक सल्फेट और बैरेटेस का मिक्सर होता है, ठीक दोस्तों। और इट गिव्स गुड अपीयरेंस, अच्छा अपीयरेंस देता है, मगर इसके अंदर एक कमी है, ये अफेक्टेड बाय द डे लाइट, मतलब डे लाइट के दिन में ये काफ़ी अफेक्टेड होता है, सन की रेस से काफ़ी इफेक्ट होता है, हैंस इट इज़ यूज्ड फॉर इंटीरियर वर्क, ठीक है ना, सिर्फ अंदर के काम के लिए, मीन्स कि बाहर के काम के लिए, हम बाहर के यूज़ के लिए इसको हम लिथोफोन का यूज़ नहीं करते। सो फ्रेंड्स, व्हीकल ऐसा कैरियर काम करता है, और जो भी वेरियस इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं पेंट में उनको मिक्स करने का काम करता है, और ये जो हमारा व्हीकल होता है, ये जो हमारा जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको सस्पेंशन में बनाए रखता है,
पिंड में सस्पेंशन में बनाया जाता है, जितने भी पार्टिकल जितने भी मटेरियल स्मॉलर पार्टिकल उनको सस्पेंशन में लिक्विड फॉर्म में उनको बनाए रखता है, ठीक है ना दोस्तों। और लिंसेड बेसिकली व्हीकल में हम लोग यूज़ करते हैं लिंसेड ऑयल, टंग ऑयल और नट ऑयल का यूज़। तो इसमें सबसे ज़्यादा लिंसेड ऑयल जो है उसका ज़्यादा यूज़ होता है कम हर जगह, क्योंकि ये चीफर होता है, इजिली अवेलेबल होता है हर जगह, ठीक दोस्तों। और जो हमारा अगर इसको हम ऑयल जो है इसको हम काफ़ी अगर बॉयल करके यूज़ करें, ठीक है ना, तो ये जो हमारा पेंट जो बनता है वो काफ़ी थिकर और डार्कर बनता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना दोस्तों। लिंसेड ऑयल में होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक थिन फिल्म, काफ़ी हार्ड एंड थिन फिल्म का फॉर्म करता है सरफेस ऑफ दी, जो भी सरफेस हम लोग यूज़ करते हैं, मीन्स कि जहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं उसके सरफेस पे एक थिन लेयर फॉर्म करता है, ठीक दोस्तों। नाउ नेक्स्ट इज पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट बेसिकली होता है रिस्पॉन्सिबल कलर के लिए, आपको कौन 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 सा कलर चाहिए उसके लिए पिगमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो पिगमेंट एक क्या करता है, एक रिइंफोर्सिंग इफेक्ट का लेके आता है थिन फिल्म के अंदर, ठीक दोस्तों। तो हमें अगर ब्लैक कलर चाहिए तो लैम्प ब्लैक सूट एंड चारकोल ब्लैक का यूज़ हम लोग करते हैं। रेड कलर के लिए वेनाडॉन रेड लीड एंड इंडियन रेड का यूज़ हम लोग करते हैं। ब्राउन के लिए बर्न टिम्बर मीन्स कि जो टिम्बर बर्न हो चुका है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसका हम लोग ये ग्राइंडिंग करके उसका यूज़ हम लोग करते हैं। रॉ एंड बर्न सियाना जो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ब्राउन कलर पाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। सियाना में बेसिकली हम लोग येलो और ब्राउन अगर जैसे हम मिक्स करें, येलो कलर और ब्राउन कलर में जो कलर मिलता है हमें, ठीक है ना, वो मतलब थोड़ा डार्क ब्राउन रहता है, डार्क येलो बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो ब्राउन की तरह लगेगा, तो वही हमें मिलता है, वही कलर हमें मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा मिल जाते हैं उसी हिसाब से वो ब्राउन कलर देता है, ठीक। नेक्स्ट ग्रीन होता है जो क्रोम ग्रीन और कॉपर सल्फेट, और ब्लू हमारा जो होता है प्रूसियन ब्लू एंड अल्ट्रा मरीन से मिलता है, येलो कलर जो होता है ऑर्चर एंड क्रोम येलो से मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रायर। ड्रायर इसको एसिलेटर भी बोलते हैं, जो काम जिप्सम कंक्रीट में करता है वो काम यहाँ पे ये पेंट में करता है। ये बेसिकली कंपाउंड होता है लेड मैग्नीज और कोबाल्ट का, ठीक है दोस्तों। ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और जिस सरफेस पे हम लोग अप्लाई किए हैं पेंट पे उस पर एक हार्डन फिल्म लेयर को फॉर्म करता है, ठीक दोस्तों। इसको हम लोग तब तक नहीं यूज़ करते हैं जब तक इसको हम लोग पेंट में नहीं डालते हैं जब तक इसको यूज ना करें, ठीक दोस्तों। जैसे कि आप पेंट लेके आएँ तो जब आपको यूज़ करना हो तभी आप इसको बाहर से ऊपर से डालें, ये नहीं कि आप उसमें ड्रायर डाल दिए और उसके बाद इसको रख दिए 2-3 दिन, तो ये सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपके कोई काम रहेगा नहीं, ठीक दोस्तों। और ड्रायर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इलास्टिसिटी जो है हमारे पेंट की उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है और फ्लैकिंग डिफेक्ट भी दिखाता है, मीन्स कि ये अपना अलग ही लेयर, मीन्स कि काफ़ी 2-3 लेयर 3-4 लेयर होंगी आपकी पेंट की, ठीक ना दोस्तों। वो जो इसकी लेयर एक अलग लेयर फॉर्म करके ये और जो पेंट की लेयर होंगी उससे अलग होने लगेंगी और मुरझा के गिरने लगेंगी, तो ज़्यादा ड्रायर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ 8-10% मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट। पेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो पेंट में हम जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि हमने अभी बताया है, उसको ले लेते हैं। बेसिकली हम लोग ये बेस लेते हैं, पिगमेंट लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, और ड्रायर को तो हम लोग बाद में यूज़ कर लेते हैं, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग अलग से रख सकते हैं, इसको अलग ही मतलब कर सकते हैं, या फिर ड्रायर को अलग ही यही प्रोसेस में अलग ही करते हैं, क्योंकि इसको अलग से बाद में मिलाया जाता है, ठीक दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, इसको ये सब जितने भी बेसिक इंग्रेडिएंट हैं ये सब लेके हम लोग इसको मिक्सिंग चैम्बर में भेज देते हैं, जहाँ पे इसके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं, और फिर इसकी वेट ग्राइंडिंग करते हैं, मीन्स कि इसमें पानी डाल के इसमें इस मतलब पेंट में लिक्विडिटी भी आ सके, इसलिए इसको वेट ग्राइंडिंग करते हैं, और फिर थिनिंग टैंक में ले जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे इसकी थिकनेस डिसाइड होती है, मीन्स कि कितना पतला रहेगा, कितना गाढ़ा रहेगा। जैसे आप दूध में देखे होंगे, गाढ़ा दूध रहता है अच्छा रहता है, पतला दूध रहता है मीन्स पानी मिला हुआ है, तो वहाँ पे ये होता है। उसके बाद इसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक होती है, उसके बाद ये मार्केट में भेज दिया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, थिनर के बारे में हमने बात किया, थिनर टैंक के बारे में बात किया। थिनर टैंक में बेसिकली हम लोग थिनर का यूज़ करते हैं, जो कि एक सॉल्वेंट होता है,
ठीक दोस्तों। और ये पेंट को थिनर बनाए रखता है, ठीक है ना, और कवरेज को इंक्रीज कर देता है, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, ठीक है ना दोस्तों। और ये हेल्प करता है जो भी हमारा जो जिस जिस सरफेस पे हम लोग पेंट को अप्लाई करते हैं वो यूनिफॉर्मली मतलब स्प्रेड हो पूरे सरफेस पे। इसकी इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है थिनर, ठीक है ना। टारपेंटाइन एंड नेप्था दो कॉमनली थिनर हैं जो कि यूज़ करते हैं हम लोग पेंट में, ठीक दोस्तों। और जब जब पेंट हम लोग अप्लाई कर देते हैं सरफेस पे, तो वो जो हमारा थिनर होता है वो इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में और पेंट ड्राई हो जाता है, ठीक दोस्तों। ना फ्रेंड्स, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि एक आइडियल पेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक दोस्तों। ये पेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि अप्लाई हो सके, इजिली अप्लाई हो सके सरफेस पे, और फ्रीली, इजिली और फ्रीली अप्लाई हो सके सरफेस, जिस भी सरफेस पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। रिजनेबल टाइम लेना चाहिए इसमें ड्राई होने में, ठीक है ना दोस्तों। ये नहीं कि बहुत जल्दी जैसे ही लगाए तुरंत ही ड्राई हो गया, फिर उसके बाद दूसरी कोटिंग किए तो वो एक धब्बा धब्बा सा बन जाता है सरफेस पे, तो ये नहीं होना चाहिए। मीन्स कि बहुत ज़्यादा देर बाद भी ड्राई नहीं होना चाहिए, बहुत पहले ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, जो सरफेस है वो काफ़ी हार्ड और ड्यूरेबल होनी चाहिए जो भी हम लोग पेंट की कोटिंग करते हैं, ठीक दोस्तों। और ये हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ वर्कर, ठीक है ना। ये आइडियल पेंट की बात कर रहे हैं, वैसे भी आइडियल पेंट आज तक कभी बना नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। हर पेंट में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, ठीक। और अफेक्टेड बाई एटमोसफियर, इजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेयर, मीन्स कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हार्मफुल ना हो एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है ना। नॉट इजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपियरेंस, मीन्स कि अट्रैक्टिव और प्लीजिंग मतलब अच्छा अपियरेंस देखने वालों को लगे, ठीक है ना दोस्तों। और फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, यूनिफॉर्म नेचर की, ये नहीं कहीं जो फिल्म बनी है ऊंचा नीचा ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक दोस्तों। इट शुड नॉट क्रैक, क्रैक नहीं होना चाहिए बीच बीच में जो हमारा पेंट जब अप्लाइड हो गया हो, ठीक है ना। पॉजिटिव गुड स्प्रेडिंग पावर, स्प्रेडिंग पावर मतलब कितना अच्छे से फैलता है जब हम पेंट करते हैं, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आइडियल पेंट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और फाइनली जो होता है ये चीप होना चाहिए, मीन्स कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, सो दैट पीपल कैन इजली इजली परचेज इट।